प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि कल एक वीडियो आया था कि नगर निगम का जो जनरल वाला जो कचरा डालते हैं उस बॉक्स में जो है बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है देर रात, तो इस मामले को लेकर के ये जो है एडी हेल्थ तक पहुंचा था। उन्होंने जो है अलीगढ़ हाथरस एटा कासगंज के जो CMO हैं उनसे इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो आज हमारे साथ में है अलीगढ़ IMA के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत शर्मा जी। तो डॉक्टर जयंत शर्मा जी, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, जैसा अभी मैंने दिखाया कि जो नगर निगम का जो जनरल कचरे का बॉक्स है उसमें जो है बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, जो कि एक अवैधानिक है और जो खतरनाक भी है। तो आप IMA के अध्यक्ष हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी हॉस्पिटल का हो, या हो सकता है जो रजिस्टर्ड ना हो उसका हो, या हो सकता है जो हॉस्पिटल का हो परंतु वो पिन्नी दे देता हो उस तरीके से किसी और को बायोमेडिकल की, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, गंभीर बात है, इस पर हम लोग सबको ध्यान देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट अगर इस तरीके से हम खुले में फेंकेंगे या कचरे के डिब्बों में फेंकेंगे तो डेफिनेटली इससे इन्वायरमेंट का तो जो खराबी होगी, मतलब बाकी भी बीमारियां फैलने की अंदेशा रहता है। अब बीमारियां फैलने का, इस टाइम तो मौसम भी बरसात का है, इस टाइम बीमारियां फैलेंगी, बहुत सारी जानवर उसको फाड़ेंगे खाएंगे, तो इस तरीके से मतलब एक एनवायरमेंट को भी इससे बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। तो मैं पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनके जिनके क्लिनिक या हॉस्पिटल हैं, सब बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार करते हैं। जिसकी जिस एजेंसी से हम लोग जुड़े हुए हैं उन एजेंसी की गाड़ी आती है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ, मथुरा की एजेंसी है वो। ये देखिए, शायद आप बाहर आप शायद देख सकते हैं, नहीं हमने उनका बयान लगाया था, मगर मैं गाड़ी भी दिखा रहा हूँ, गाड़ी एक्चुअली यहाँ खड़ी होती है, आके वो खड़ी भी है शायद, ये गाड़ी से आके ये हमारे हॉस्पिटल से नहीं बाकी सारे हॉस्पिटल से ये बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाते हैं। जैसा कि सर ये पिन्नी जो उन्हीं को दी जाती है ना, जो बायोमेडिकल वेस्ट में जो रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल उन्हीं को दी जाती है, इसमें भर करके होते हैं, ये मुझे इसका आइडिया नहीं कि उन्हीं को दी जाती है रजिस्टर्ड वालों को, लेकिन हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, मैं नहीं इस बात को मतलब मानता या इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि हमारे डॉक्टर सड़क पे कूड़ेदान में डाल के आएंगे। हमारे पास सबके पास बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का पूरा इंतजाम है, आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरीके से कोई मेंबर हमारा ये करता है तो ये गलत है। और मैं बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें जो रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारे मेंबर्स द्वारा नहीं चलाए जाते, जो MBBS डॉक्टर जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे द्वारा नहीं, और बहुत सारे लोग अस्पताल चलाते हैं, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि ऐसे ही किसी हॉस्पिटल से या क्लिनिक से इस तरीके की कोई बात सामने आई हो, जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो ये बैग जो भरा हुआ कूड़े से या गंदगी से है वो उन्होंने जाके डाला हो। लेकिन मैं सभी से, सब लोगों से, आम नागरिक होने के नाते और आम नागरिकों से भी सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने पर्यावरण की सफाई रखना, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम लोग पूरी नैतिकता के साथ निभाएं। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर से भी मेरा, सारे जो भी डॉक्टर्स हों या जो भी हॉस्पिटल चला रहे हैं यहाँ पे, जो जिस भी फॉर्म में चला रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण जो भी नियम है एज पर नॉर्म्स उसको करें, और बायोमेडिकल वेस्ट का अगर कोई इस चीज का वायलेशन करता है या एजेंसी वाले लोग उसको कहीं जाके डाल देते हैं कुछ है, तो इस पर भी ध्यान रखें और एजेंसी वालों को सूचित भी करें। और आपका ये बहुत बड़ा, मैं अच्छा प्रयास मानता हूँ, बड़ा कदम है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने पर्यावरण को साफ रखिए, अपने हॉस्पिटल के आसपास सफाई रखिए, अपने हॉस्पिटल से किसी तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट सड़क पे या किसी कूड़ेदान में ना डाला जाए, इस चीज को अपने स्टाफ के द्वारा आप सुनिश्चित करें। डॉक्टर साहब, इस पर स्वास्थ्य विभाग को इस पर कोई मतलब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये स्वास्थ्य विभाग या सरकारी विभाग जो भी इस पर अपनी कार्रवाई नियमानुसार होगी उसे करें, और उसके लिए जो भी उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसके लिए दोषी हो उसको सजा दिलाएं, या उसको जो भी उनके साथ कानूनी कार्रवाई करनी है जो भी समुचित हो वो कराएं। अगर आपका जैसे कि इसमें से IMA का ही कोई अगर सदस्य रजिस्टर्ड हॉस्पिटल वाला अगर इसमें कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो IMA की क्या उस पर? मैं पहले आपको बता दूं कि IMA इन सब किसी चीज का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है, और ये एक थोड़ा सा सवाल इमेजिनरी है कि ऐसा पाया गया तो कैसा करेंगे। समय के अनुसार और जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही हम काम अपनी एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो आपने देखा कि जो IMA के एसोसिएशन के अलीगढ़ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयंत शर्मा, उन्होंने इस तरीके से ये जो जनरल कूड़े में और बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है उसको गलत बताया है और इस तरीके से ना करने की अपील की है। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन सर। थैंक यू। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।